हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में वाई लिखिए जरा सभी। चलिए, सो यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्किट्स कंटेनिंग द मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सोर्सेस, है ना। कुछ एक क्वेश्चंस करने बाकी रह गए थे, पहले वो कर लेते हैं और उसके बाद वी शैल मूव फॉरवर्ड। सो हियर इज द क्वेश्चन। अगेन यू कैन सी देर आर टू सोर्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ए वन की वैल्यू निकल आए तो पहले वो बता दीजिएगा मुझे, सो दैट वी कैन एलिमिनेट एटलीस्ट वन और टू ऑप्शंस।
Yes, any value for A1. ध्रुव नहीं, कुछ गड़बड़ की आपने। ठीक है मयूर, सो सी एंड डी गेट्स एलिमिनेटेड राइट। ध्रुव व्हाट यू आर गेटिंग इज रूट टू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज रूट टू राइट, एंड दैट इज आरएमएस वैल्यू, सो द पीक वैल्यू विल बी रूट टू इनटू रूट टू, दैट इज टू। ठीक है ध्रुव, तो सही आया ना आपका भाई। व्हाट इज 1.41, रूट टू होता है ना 1.41, और वो आरएमएस वैल्यू है, तो पीक वैल्यू क्या होगी टू। तो सी और डी एलिमिनेट हो गए ना, यस और नो। हाँ तो अब से A2 निकालो फटाफट।
पहले तो केवल वोल्टेज सोर्स को लेते हैं, करंट सोर्स ओपन, टेन रेडियन पर सेकेंड है ये। ये तो ओपन ही हो गया। सपोज करो दिस इज फर्स्ट टर्म, से वी सी वन ऑफ टी, ये पहली टर्म, व्हाट इज वी सी वन? वोल्टेज डिवीजन। इसको सिंपलीफाई आप कर लीजिए, एंगल वन इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व इट्स रूट टू। थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के भी आपको एक दिशा मिलती है ना, कि अगर पीक वैल्यू टू होगी तो फिर आरएमएस वाली रूट टू होगी, तो एक हिंट वहां से भी मिलती है। तो ए वन अगर आप देखो, बी सी वन ऑफ टी इफ आई राइट, इट विल बी टू साइन ऑफ 10 t का, ये था 10 t माइनस 87.14 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका ए वन हो गया, एंड फॉर दैट मैटर ये थीटा वन हो गया, एंड दिस इज योर ओमेगा वन। ठीक है, हाँ ध्रुव बताओ, आप नेक्स्ट बता रहे थे ना, केवल करंट सोर्स। अब फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल बदलेगा, एक्स ही बदलेगा, एक्सएल भी आएगा, अब तो इंडक्टर भी आएगा। अब वोल्टेज सोर्स को करिए शॉर्ट, करंट सोर्स, एंड देन अगेन द कैलकुलेशन ऑफ वी सी टू।
देखो, अब केवल करंट सोर्स को लो, तो व्हेन यू टेक ओनली द करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर की ओमिक वैल्यू बताओ जल्दी से, कैपेसिटर कितना ओम्स? 0.2। और इंडक्टर? 10/√2 एंगल 0 डिग्रीज एम्पियर्स। वन हेनरी फाइव, तो जे 5 ohms, दिस इज 1 ohms और 1 farad, 1/5 इज 0.2, तो इट हैज टू बी माइनस जे 0.2 ohms। दिस मस्ट बी योर VC2 of t। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो दिस रिएक्टेंस, सिंस इट इज इन सीरीज विद द करंट सोर्स, तो इसका कोई मतलब है नहीं। हाँ वही कह रहा हूं मधुरू, देखो यहां इंडक्टर विल नॉट प्ले एनी रोल, निकालना हमको VC2 है, ध्यान देना। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो हम करंट डिवीजन करके ये वाला करंट निकाल लेते हैं, और वो जो भी करंट आएगा उसमें माइनस जे 0.2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो VC2 आ जाएगा क्या? से यस और नो, अभी लो जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ। ठीक है, तो पहले करंट डिवीजन कर लेते हैं। करंट डिवीजन करने के लिए क्या, सामने वाला ऊपर, दोनों का सम नीचे, और वॉट एवर इज द करंट एंटरिंग, करंट इज, देखो इतना तो करंट हो गया, इतना करंट जाएगा मिडिल वाली ब्रांच में, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसका, इसका, तो ये VC2 बन जाएगा। राइट या रॉन्ग लिख दो इस पर जरा जल्दी से, राइट और रॉन्ग, ब्रैकेट में जो लिखा है वो करंट है, वो कहां से आया, करंट डिवीजन से आया, ब्रैकेट में जो लिखा है वो करंट डिवीजन से आया, कैपेसिटर का करंट है वो, सामने वाला इंपीडेंस ऊपर नीचे दोनों का सम, ठीक है, इनटू, सॉरी ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस जे 0.2 है, करंट में लिख चुका हूं ब्रैकेट के अंदर, बराबर एकदम परफेक्ट। पीएम मुझे आप सॉल्व करके बताएं पोलर फॉर्म में कितना आ रहा है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके साथ सीरीज में करंट सोर्स है ना, तो VC2 के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जे 5 ohms का कोई मतलब नहीं है। हाँ ध्रुव कितना आया, सॉल्व हो गए, जल्दी बताओ ये पोलर फॉर्म में बताओ, फिर उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। इतना आएगा मयूर का बराबर है, और 1.38 में जरा √2 का मल्टीप्लाई करें, 1.38 इंटू √2 कितना होता है,
मयूर 1.38 इंटू रूट टू ऑलमोस्ट 1.98 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लेट मी राइट इट अप्रोक्सीमेटली दिस साइन ऑफ 5t माइनस 78.69 डिग्रीज, दिस मेगा वोल्ट्स। सो ये आप देखें तो आपका ए टू है और ये ईटा टू है, जो गिवन था वो देख लो आप। पहले पहली टर्म है वी सी वन ऑफ टी, सेकेंड टर्म है वी सी टू ऑफ टी। यू कैन सिंपली कंपेयर फॉर ए वन ए टू थीटा वन एंड थीटा टू। सो दिस इज वॉट इट इज, आई थिंक आंसर इज ऑप्शन ए डिसाइसिवली। बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, आप देख सकते हो। तो अगर आपका 1.95 भी आ रहा है, कभी 1.96 भी आ रहा है, तो भी डिसाइसिवली आंसर यही है, क्योंकि बाकी आंसर भाई सी और डी को तो पहले निपटा दिया हमने, सी और डी तो गए। अब 4.2 और 1.98, तो डेफिनेटली आपका जो आ रहा है 1.95, 1.96, दैट्स द आंसर फॉर श्योर। सो आंसर इज ए। ठीक है, हो सकता है थीटा वन थीटा टू भी पूछ लेता क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट वो भी निकल ही आए, थीटा वन थीटा टू भी निकल आए। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड जरा टाइप कर दें इस पे आप, कोई डाउट हो तो पूछें मुझसे। अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन जी। क्लियर एंड नोटेड सभी लोग, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ, आज लास्ट क्लास है अपनी, टुडे इज द लास्ट क्लास, आज नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो लास्ट टॉपिक। चलिए वन मोर क्वेश्चन, ये डबल ई वालों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, तो जो डबल ई के स्टूडेंट्स हैं कोर सब्जेक्ट्स के लिए, इस पे मैं क्विजेस डालता हूँ, क्वेश्चंस डालता हूँ, डाउट सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स के, तो डबल ई वाले स्टूडेंट्स ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। प्लीज़ डोंट पुट इट ऑन द कॉलेज ग्रुप, आप पर्सनली इसको अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज सोर्स को आप देखो, एक एसी सोर्स और एक डीसी सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके कारण करंट में भी एक डीसी कंपोनेंट है और एक एसी कंपोनेंट है, तो वो जो एसी कंपोनेंट है उसकी पीक वैल्यू पूछ रहा है, करंट के एसी कंपोनेंट की पीक वैल्यू।
हाँ वैष्णवी करंट डिवीजन किया था बिल्कुल। कोई डाउट है उसमें आपको? हाँ किया ना वैष्णवी, देखिए किया ना मैंने। ये देखो बराबर है। इसका आंसर बताइए जल्दी। देखो वोल्टेज इज अ कॉम्बिनेशन और अ सुपर पोजिशन ऑफ अ डीसी सोर्स एंड एन एसी सोर्स, दिस यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, अब देखो व्हेन इट कम्स टू डीसी पावर इज व्हाट व्हाट इज ट्रांसफर्ड बाय डीसी सोर्स एंड व्हाट इज ट्रांसफर्ड बाय एसी सोर्स। डीसी सोर्स आपको पता है पहले दिन पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड वोल्टेज इनटू करंट, तो 5 वोल्ट रिजल्टिंग इनटू 5 एम्पियर्स, दिस इज अमाउंटिंग टू 0। प्लस वी आर एम एस 10/√2, आई आर एम एस x/√2, आई विल पुट अ माइनस साइन हियर बिकॉज माइनस दिया है, कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, और ये इक्वल टू 0 दिया है आपको, ये इक्वल टू 0 दिया है भाई। दिस इज सिंपली वी डी सी आई डी सी राइट, एंड दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ वॉट एवर इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, अब लैगिंग लीडिंग नहीं देखना क्योंकि कॉस ऑफ माइनस फाइव इज एनी वे कॉस फाइव। ठीक है, ध्रुव आर की वैल्यू कहां से लाया आप? आर आर कहां से लेके आए? पहले तो ये बताओ सॉल्व की कितना आ रहा है एक्स?
बताइए एक्स की वैल्यू 10 आएगा ना, मयूर 10 आएगा, 10 इज द आंसर। 10 होना चाहिए, इसके डायमेंशन होना चाहिए एम्पियर्स। ठीक है, इज इट ओके ध्रुव? आर निकालने की व्यवस्था ही नहीं ना यहाँ पे, आर कहाँ से लेके आएंगे? यस देखिए, एवरेज मींस ऑलवेज व्हाट्स, एवरेज मींस व्हाट्स, ठीक है। ध्रुव 25 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर इज नॉट जीरो, प्लीज अंडरस्टैंड, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इज जीरो, तो आई आर एम एस आप निकालो इंटू आर करो, तो आई की आर एम एस वैल्यू अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो करंट की आर एम एस वैल्यू क्या होगी? अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये करंट की आर एम एस वैल्यू होगी, ठीक है। और आप कह रहे हो कि ये इसको जीरो रख दें, तो अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, हाउ वुड यू ब्रिंग आर? अच्छा, इसका स्क्वायर करके आप जीरो कर रहे हो, ठीक है, तो हाँ, तो इसका स्क्वायर आप जीरो करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट 2 का स्क्वायर आप बोल रहे हो कि जीरो है, तो एक्स विल कम आउट टू बी नेगेटिव, मतलब एक्स विल कम आउट टू बी इमेजिनरी। हाँ, कॉम्प्लेक्स आएगा, हाउ कैन इट बी कॉम्प्लेक्स, कांट बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? इट हैज टू बी अ रियल नंबर, ठीक है, तो इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। गेट की एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने में आए हैं जहां पर सर्किट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अस टू सॉल्व, लेकिन हम जैसे ही उसके अंदर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू मैनेज। तो कुछ बेसिक्स ऑफ थ्री फेज सर्किट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली मेरा जो स्ट्रेस रहेगा वो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में, गेट के सिलेबस में केवल स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने मेंशन किया है, दैट टू विद द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स, है ना, तो वो तो हम देखेंगे ही कि हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टू सिंप्लीफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच अदरवाइज वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू सॉल्व, है ना। मैंने आपसे शुरू से एक बात कही है कि हमें एक से दो इक्वेशन में सर्किट को सॉल्व करना होता है, तो बिना स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के अगर करने जाएंगे तो द सॉल्यूशन विल बी वेरी लेंथी एंड सॉल्विंग विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर अस, एंड द मोमेंट वी डू स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज सर्किट। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने हैं, ठीक है। थ्री वेज आई थिंक कुछ फंडामेंटल्स आपको पता भी हैं, आपके सामने एक सिंक्रोनस जनरेटर या एक अल्टरनेटर का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने रखा है, आपको पता है सिंक्रोनस मशीन के अंदर फील्ड रोटेटिंग होती है, तो आप देखो फील्ड वाइंडिंग जिसको कि आपने एक्साइट किया है बाय अ वोल्टेज Vf और इट इंजेक्ट्स एन एक्साइटेशन करंट और द फील्ड करंट If इनटू द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ द मशीन, तो एक परमानेंट नॉर्थ बन गया, एक परमानेंट साउथ बन गया बिकॉज डीसी वोल्टेज, डीसी से एक्साइट किया है इसको, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट नॉर्थ साउथ पोल जो क्रिएट हुए हैं आपके, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज रोटेटेड इन द एयर गैप बाय सम प्राइम मूवर, तो
जब वो रोटर घूमता है तो साथ में उसका फ्लक्स भी घूमता है, जब वो फ्लक्स घूमता है तो वो तीन वाइंडिंग्स को कट करता है एबीसी को, जो तीन वाइंडिंग्स है एबीसी या आरवाईबी, दे आर 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, है ना, और इलेक्ट्रिकली तो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड ही है। तो जो करंट की या वोल्टेज की वैल्यू ए में मिलेगी हमें, वही वैल्यू बी में मिलेगी 120 डिग्री के बाद, और वही मिलेगी सी में 120 डिग्री के बाद। तो आप देख रहे हो कि हर एक वैल्यू 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है फॉर ए बी एंड सी, दैट्स व्हाई यू गेट अ बैलेंस सप्लाई अंडर आइडियल कंडीशंस, ऑल्दो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, लेकिन इन अ नटशेल इस तरीके से एक थ्री फेज वोल्टेज जनरेट होता है। अब आप एक पावर सिस्टम को देखो सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक, तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक आपका पावर सिस्टम इज नथिंग बट अ थ्री फेज सर्किट, चाहे वो जनरेशन हो वो थ्री फेज पे है, चाहे वो ट्रांसमिशन हो वो भी थ्री फेज पे है, और अल्टीमेटली जो कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थ्री फेज पे ही होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी थ्री फेज पे हो रहा है, बस फर्क ये है कि एक फेज आपके यहाँ आ रहा है और एक फेज आपके पड़ोसी के यहाँ जा रहा है। ठीक, अब ये सब इलेक्ट्रिकल की बातें हैं, नेटवर्क में हमें क्या काम पड़ने वाला है केवल उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो कौन से दो कॉन्फ़िगरेशन के नाम सुने हैं आपने, जरा बता देना। तो दो कॉन्फ़िगरेशन के नाम आपने सुने हैं, कौन कौन से? बिल्कुल ठीक बात। सो दीज आर द टू टोपोलॉजीज इन विच द थ्री फेज सर्किट्स आर डिजाइन। हालांकि इसके वेरिएंट्स भी होते हैं, फिर स्टार ज़िगज़ैग स्टार एंड अदर्स, उसमें हमें नहीं जाना, बट मोटा मोटा देखा जाए तो ये दो होते हैं, तीन फेजेस हैं ये, मान लो तीन सिंगल फेज लोड्स हैं, है ना, और उनको इस तरीके से कनेक्ट हमने कर दिया। अब से यू हैव दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, दिस एज पॉइंट सी, and this is your neutral which is at zero under balanced condition, और जब कोई unsymmetrical fault होता है जिसमें कि ground involved होता है तो ये neutral का voltage non-zero हो जाता है, जिसको shift of neutral माँ हम बोलते हैं power systems में। ठीक है, तो A point का voltage VAN with respect to neutral, B point का voltage VBN with respect to neutral, C point का voltage VCN with respect to neutral, these are phase voltages, this you know। ठीक है, नाउ सिंस दे आर बैलेंस्ड इट विल बी सम वीपीएच एंगल 0 डिग्रीज, वीबीएन सिंस इट्स अ बैलेंस्ड सप्लाई और बैलेंस्ड लोड, सो 120 डिग्री पीछे, और वीसीएन वीपीएच प्लस 120 डिग्री या माइनस 240 डिग्री, दिस यू नो भाई, VAN, VBN, VCN आर डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्रीज। ठीक है, और फेज सीक्वेंसेस ए बी सी आप देख रहे हो, ए आएगा, ए के बाद पॉजिटिव, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ए है, ए के बाद बी आएगा 120 डिग्री के पॉजिटिव रोटेशन के बाद, और फिर उसके बाद सी आएगा, दैट्स व्हाई यू से दैट दिस इज अ फेज सीक्वेंस ए बी सी। व्हाट यू ऑलरेडी नो इज दिस एंड दिस यू ऑलरेडी नो और स्टार। ठीक है, वैसे वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए लाइन वोल्टेजेस होंगे, वो भी अपने आप में बैलेंस्ड होंगे। ठीक, सिमिलरली द अदर टोपोलॉजी जो कि अभी आपने मुझे बताई, विच इज यूज्ड इज दिस,
अगेन ये लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज दोनों बराबर ही दिख रहे हैं आपको डायग्राम पे, ठीक है. दिस इज योर लाइन करंट, दिस इज योर फेज करंट, दोनों इक्वल नहीं है लाइन और फेज करंट. एंड देयरफॉर आई पी आई एल बाय टू थ्री. तो इन दो तरीकों से हम थ्री फेज सर्किट्स की डिजाइन करते हैं, चाहे वो थ्री फेज ऑल्टरनेटर हो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन्स हो, ठीक है. इनफैक्ट ट्रांसमिशन लाइन तो स्टार कनेक्टेड ही होती है 33 केवी तक, ठीक है. 11 केवी पे आपको जाके डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. बाकी जहां तक ट्रांसमिशन का प्रश्न है, ट्रांसमिशन मतलब 33 केवी के ऊपर ऊपर ट्रांसमिशन वाला लेवल होता है, और 33 केवी से फिर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क शुरू होता है. इनफैक्ट 33 केवी भी स्टार ही होता है और 11 केवी पे जाके डेल्टा होता है. तो प्राइमरीली व्हाट यू कॉल एज द ट्रांसमिशन सिस्टम इन द पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन सारी स्टार कनेक्टेड ही होती हैं. और आप देखते हो ट्रांसमिशन टावर्स के टॉप पे एक महीन सा वायर चलता है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है. वो सेवरल टाइम्स ग्राउंडेड होता जाता है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में, एट एवरी टावर एंड एट एवरी सब स्टेशन, ठीक है. ये सारी वहाँ की डिटेल्स हैं. तो कोई भी थ्री फेज सिस्टम हो, वो इन दो तरीकों से डिजाइन होता है. अब हमारे लिए नेटवर्क में काम का क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. नेटवर्क में हमारे लिए काम का है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. कि कोई नेटवर्क है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत लेंदी जा रहा है सोल्यूशन, तो उसमें कोई एक स्टार बन रहा होगा, उसका डेल्टा इक्विवेलेंट बना लें, या वाइस वर्सा एज द क्वेश्चन डिमांड्स. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. मान लीजिए एक स्टार आपको दिया है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. कोई तीन टर्मिनल्स हैं एबीसी, उनके बीच में एक स्टार बना लिया हमने, ठीक. अब एक इक्विवेलेंट डेल्टा मुझे इसका बनाना है. जिन तीन पॉइंट्स के बीच में स्टार बना है, उन्हीं तीन पॉइंट्स के बीच में हमें डेल्टा बनाना है. तो मतलब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट डेल्टा जो कि इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बीच में बन जाना है. लेट मी कॉल इट 1, 2 and 3. नोटेशन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो इन्हीं तीन पॉइंट्स के बीच में बना है, मतलब अल्टीमेटली यहां तो यहां R1 आएगा, यहां R3 और ये R2. अब R1 को देखो, R1 किसको क्लोज कर रहा है, R1 क्लोज कर रहा है A और B को. तो बड़ा आसान याद रखना, जिन दो को क्लोज कर रहा है वो प्लस दोनों का प्रोडक्ट कौन, जो तीसरा बच गया वो. सिमिलरली R2, आप देख रहे हो R2 किसको क्लोज कर रहा है, बी और सी को. और R3 This is important if all the three are equal. इसको नोट डाउन करके जरा नोटेड टाइप करिए, फिर अगला देखते हैं.
देख रहे हो आप, एक डेल्टा नजर आ रहा होगा आपको, 6 ओम 6 ओम 6 ओम का है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल बी वेरी लेंथी। द मोमेंट यू कन्वर्ट द डेल्टा इन टू स्टार, इट बिकम्स अ वेरी इजी टू मैनेज क्वेश्चन। आंसर बताइए। करेक्ट। देखो तीन पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन तीन पॉइंट्स के बीच में स्टार बना दीजिए तो 6 ओम, मतलब इक्विवेलेंट स्टार में 2 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, सो इफ आई कैन रीड्रॉ दिस, नाउ अमंग दीज 3 पॉइंट्स क्रिएट अ स्टार। तो दिस इज योर 14, टू ओम्स एंड 2 ओम्स। ठीक, सो इसको कुछ जेड इक्विवेलेंट दिखेगा, तो इसमें से आई करंट हमें निकालना है। तो जेड इक्विवेलेंट यू कैन क्लियरली सी 2 प्लस J4 इन पैरेलल विथ 2 माइनस J4, वॉट एवर इट कम्स आउट टू बी प्लस 2। तो ये आएगा आपका 7 एंगल 0 आ जाएगा ओम्स। तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। करंट कितना हो गया, 14 एंगल 0 अपॉन 7 एंगल 0, तो दैट इज 2 एंगल 0 एम्पियर्स। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बोलता हूँ, आप मुझे बताना सही है कि नहीं। इफ आई लुक एट द गिवन डेटा, डेटा मतलब सोर्स वोल्टेज और जो सोर्स करंट हमने निकाला। इफ आई लुक एट द सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट, कैन आई से वन मोर थिंग अबाउट दिस सर्किट, दैट दिस पर्टिकुलर सर्किट इज इन रेजोनेंस, से यस और नो? दिस पर्टिकुलर सर्किट इज इन रेजोनेंस। वाई? बिकॉज द सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज। 14 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को सर्किट में क्या दिख रहा है, टोटल मार के एक 7 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है बस। मतलब देर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन द इम्पिडेंस और द एडमिटेंस सीन बाय द सोर्स, विच इज डिसाइसिवली द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की ही कंडीशन पक्के में। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर वो डेल्टा को स्टार में हम नहीं बदलते तो फिर दो तीन वेरिएबल हमें लेने पड़ जाते, एक I1 I2 I3, और वो तो मैंने आपको शुरू से ही मना किया है, वो करना ही नहीं है हमें I1 I2 I3। ठीक है, तो कई बार अब ये क्लिक करना चाहिए आपको, आप इफ यू प्रैक्टिस इनफ तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए।
ये लिंक आप आपके कलीग्स के साथ भी शेयर कर देना, इलेक्ट्रिकल वालों के साथ, ठीक है? आंसर यस, आंसर इज बी, के से होगा एम्पलीफाई। स्टार टू डेल्टा, ठीक है? क्योंकि होगा क्या है, यहां पर के इंटू के का फैक्टर आएगा और यहाँ के का फैक्टर आएगा, नीचे से के कॉमन निकल आएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली के से ही मल्टीप्लाई वो होना है। और इफ डेल्टा गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, कॉरस्पॉन्डिंग स्टार इक्विवेलेंट एवरी रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है? आंसर इज बी। अंदर वाले स्टार का डेल्टा बना लो, तो ट्वेल्व और ये 12, ठीक है? तो आप ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखें तो 12 इन पैरेलल विथ 4 है, ये 12 इन पैरेलल विथ 4 इज लाइक 3। तो अल्टीमेटली ये तीनों तीन तीन ओम्स के हैं, तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप अंदर देख लो। थ्री इन पैरेलल विथ सिक्स,
ठीक है, कुछ लोगों ने 3 दे दिया था आंसर, हर्षदा श्रेया 2 है आंसर, 3 भी मिलेगा आपको ऑप्शंस में। देखो एक हिंट मैं आपको दे दूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टार डेल्टा आप कर सकते हैं, करना ही है, लेकिन जो करंट आपको निकालना है I1, जिस ब्रांच का करंट आपको निकालना है उस ब्रांच को आप ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड ना करें, ठीक है? मतलब वो जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें से कि I1 निकालना है उसको इंटैक्ट रख के बाकी को चेंज करना है, ठीक है? जैसे थेवेनिन थ्योरम में करते हैं कि नहीं, लोड रेजिस्टेंस, लोड में से करंट निकालना है तो सबसे पहले लोड को निकाल के साइड में रख देते हो और बाकी को ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है? क्योंकि लोड का तो करंट हमें निकालना ही है, उसको थोड़ी ना हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे। तो 6 ओम वाले को इंटैक्ट रखना है आपको, मतलब इफ प्रिसाइसली यू सी, एक डेल्टा जो बन रहा है आपका उसका स्टार आपको बनाना है। कौन सा डेल्टा बन रहा है? कैन यू ऑब्जर्व द डेल्टा? ये वाला डेल्टा बन रहा है, तो उससे क्या होगा, I1 इंटैक्ट रहेगा, 6 ओम इंटैक्ट रहेगा, ठीक है? तो आंसर आपको बताना है।
ध्रुव एग्जैक्ट नंबर आएंगे, दोनों होल नंबर आएंगे, पार्थ के बराबर है आंसर। ये इतना इतना हिस्सा तो इंटैक्ट रखना है आपको, ठीक है। तो 2 ohms, 6 ohms, I1, ठीक है। अब ये ऐसा बनेगा, तो पहले आप मुझे, मैं नाम दे देता हूँ, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो और इसको R3 बोल दो। मुझे जरा R1, R2, R3 की वैल्यू बता दें आप। जी, बाकी दोनों सेम आएंगे ना। सिक्स पैसिव, ठीक है। अब बस आपको कर लेना है इसके बाद सॉल्व, इसके आगे आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा एक बात बताना मुझे, चार रेजिस्टेंसेस मिलकर के लोड बना रहे हैं एक, है ना, 300 300 के तीन और 100 ओम का। एक चीज मुझे बताइए, जब तक स्विच ओपन है तब तक ये एक बैलेंस्ड लोड है, द मोमेंट द स्विच इज क्लोज्ड इट बिकम्स एन अनबैलेंस्ड लोड, से यस और नो? जैसे स्विच क्लोज हुआ ये एक अनबैलेंस्ड लोड बन जाएगा, है ना। जब तक स्विच ओपन है तब तक तो फेज वोल्टेज 400/√3 ही है, लेकिन स्विच क्लोज हो जाने के बाद क्योंकि अनबैलेंस्ड हो गया तो वो 400/√3 नहीं रहेगा। ये गेट 92 का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। हालांकि उसने बोल ही दिया कि थेवनिन से निकालो, तो काफी काम तो उसने करके दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी देता तो ऐसे केसेस में थेवनिन इज द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग आउट, ठीक है। तो स्विच को ओपन रख के पहले आप क्या निकाल लेंगे, आरटीएच निकाल लेंगे और वीटीएच निकाल लेंगे। वीटीएच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू नो दिस। VTH is always calculated across open circuited terminals. तो जब तक स्विच ओपन है तब तक PQ का वोल्टेज कितना है, सभी बताएंगे? जब तक स्विच ओपन है तब तक PQ पॉइंट का वोल्टेज कितना है टर्मिनल्स का? VPQ is, अरे थ्री फेज सोर्स थ्री फेज लोड को पावर सप्लाई कर रहा है, ये देखो ना, ये ऐसे कनेक्ट कर लो आप। अरे बोलो भाई, जब तक स्विच ओपन है तब तक VPQ क्या है, 400/√3। तो डोंट यू थिंक सो दिस 400/√3 इटसेल्फ इज VTH, यस और नो? यस। अब बचा RTH निकालना, वो आप निकालो। ध्रुव गड़बड़ की है कुछ, BTH नो डाउट इज 400/√3 वोल्ट्स, व्हाट इज कैलकुलेटेड अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स इज VTH। अब RTH निकालते समय क्या करते हो, शॉर्ट करते हो ना, आपको नहीं लगता तीनों पैरेलल में आ गए, तीनों का एक पॉइंट एक जगह और दूसरा पॉइंट दूसरी जगह, यस और नो?
अरे बोलो सभी लोग, तीनों का एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, दूसरा दूसरी जगह कनेक्टेड है, तो क्या बन गया आरटीएच? हंड्रेड ओम बन गया ना आरटीएच, और लोड रेजिस्टेंस भी 100 ओम का ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बन गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट, दिस इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल्स पी क्यू, एंड व्हाट इज कनेक्टेड एट पी क्यू? नादर 100 ओम इज कनेक्टेड। और आपसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है, ध्यान देना, अब ये वीटीएच नहीं है, अब ये वीपीक्यू है, अब वीटीएच नहीं है ये। इसको ओपन करेंगे तो 400/√3 मिलेगा, वो वीटीएच है, इसको वीटीएच नहीं बोलना। तो व्हाट इज वीपीक्यू? इसका मतलब ये है, जब तक स्विच ओपन है वोल्टेज 400/√3 था, जैसे ही स्विच क्लोज हो गया इट बिकम्स अ वोल्टेज ऑफ 200/√3, आधा। ठीक है, तो वीपीक्यू कितना है? 200/√3। ठीक, जली क्या दिमाग की बत्ती? पहले टाइप कर दो जली सभी। सभी को करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पूरे सब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर बहुत बार हमने जलाई दिमाग की बत्ती, क्यों? करीब करीब 1 महीने से ऊपर हो गया बत्तियां जलाते हुए, तो काफी सारी जल गई होगी, अब तो नेटवर्क से काफी फैमिलियर हो गए होंगे काफी, राइट? थोड़ा फोबिया खत्म हुआ आपका प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का? और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट वीजेटीआई स्टूडेंट, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे पढ़ाते हैं, जो एक्सपीरियंस मेरा एनआईटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का रहता है, वही बिल्कुल वीजेटीआई में भी वही एक्सपीरियंस रहता है मेरा। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देते हो, विच इज जस्ट ऑसम। आई एम ऑल्सो टीचिंग सम अदर कॉलेजेस, आई वॉन्ट टेक द नेम्स, बट वहाँ पे इतना फास्ट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, एनआईटीज के स्टूडेंट्स को जब भी मैंने पढ़ाया आज तक, दे आर वेरी फास्ट, वेरी क्विक इन गिविंग द आंसर्स, वही एक्सपीरियंस मेरा विजेटीआई के साथ रहता है। ठीक है, तो बहुत जॉयफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट, अगेन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ गेट, हालांकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होपफुली आई विल बी देयर अगेन फॉर कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। होपफुली आई विल बी देयर आफ्टर अ फ्यू डेज, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट।
Yes, answer. वैसे बिना पेन चलाए आपको देना चाहिए आंसर इसका। पेन चलाने की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं। हाँ ध्रुव, जरा चेक करना एक बार। सो का एक ही है यहाँ, सो के तीन नहीं है और स्टार में तीन है। देखो ये वाला रेजिस्टेंस कितना कंज्यूम कर रहा है, PL1 400 का स्क्वायर बाय 100, इतना वॉट्स इजंट इट सो। और इसका कहना है कि 3 RX अगर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं अक्रॉस द सेम सप्लाई, तो ये उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना कि वो ऊपर वाला है। तो यहां पावर कंजम्पशन कितना है, एक का निकाल लो, एक का कितना है, ये तो एक का हो गया। टोटल मार्किंग इतना, तो PL1 इक्वल टू PL2 बोला है उसने। सीधा ही दिख रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो RX बचेगा, तो RX ही आपका क्या है, हंड्रेड ओम्स हुआ ना। ठीक है, देखो RD इज इक्वल टू 3 टाइम्स RS होता है, तो डेल्टा का एक रेजिस्टेंस कितना कंज्यूम करेगा, जितने स्टार के 3 करेंगे फॉर द सेम वैल्यू, सही यस और नो। है कि नहीं भाई, 100 100 के 3 स्टार में है ना। जब इसका डेल्टा इक्विवेलेंट बनाओगे आप तो 300 300 के 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पावर विल बी 3 टाइम्स देयर, पर वो 300 300 के ना हो, तीनों 100 100, एक एक 100 का हो डेल्टा में, एक 100 का हो। ठीक, तो डेल्टा में 100 वाला जितना कंज्यूम करेगा, स्टार में 100 100 के 3 उतना ही कंज्यूम करेंगे फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके बताना था।
ध्रुव समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन क्या है। 50-50 कुछ नहीं हुआ उसका, उसका क्या हुआ भाई? पावर कंजम्पशन, एक प्योर इंडक्टर या एक प्योर कैपेसिटर वाट्स कंज्यूम करता है क्या कुछ? विल अ प्योर इंडक्टर और अ प्योर कैपेसिटर विल दे कंज्यूम एनी वाट्स ध्रुव? सी, any purely reactive element, whether it is an inductor or a capacitor, say this is an inductor, VL across it, IL through it, or for the capacitor for that matter, VC across it, IC through it. So this is VL, this is IL. You call phi as minus 90. VC, IC. This is plus 90. So P is VL RMS, IL RMS cos of 90 plus or minus 90, which is anyway zero. And whatever is Q is VL IL sin 90. Sin 90 is 1. So this is VLIL. Now this is VL square by XL. Okay? Yeah, IL square XL is the case maybe. This is absorbed by the inductor. Similarly, what is delivered by the capacitor is what? VC square by XC. Or IC square XC. See, true, if you can read the sentence, consumes means what is gone into the circuit. So far as question of reactive power is concerned, reactive power positive half में जितना source से load पे जाता है, negative half में उतना वापस आ जाता है. Reactive power is the wattless component of power. ठीक है, it's a wattless component of power. Consumed word हो गया, average word हो गया, ये एक power के साथ में ही moreover जाता है. ठीक है, so whatever is consumed is watts. ठीक है, अगेन ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है रिएक्टिव पावर का. रिएक्टिव पावर गेट्स यूटिलाइज्ड इन द इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन आइदर टू प्रोड्यूस द वर्किंग फ्लक्स, ऑलराइट, एंड इन अ पावर सिस्टम रिएक्टिव पावर इज यूटिलाइज्ड टू कैरी द एक्टिव पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड. रिएक्टिव पावर इज यूटिलाइज्ड फॉर वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूवमेंट. रिएक्टिव पावर इज यूटिलाइज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन. ठीक है, बट व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एंड कस्टमर अल्टीमेटली? अभी आपके सामने जो लाइट जल रही है वो वॉट्स में, कुछ वॉट्स में कन्वर्ट हो रहा है. कुछ वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कुछ वॉट्स ऑफ दैट लाइट पावर व्हाट यू आर गेटिंग. और इन अ फैन सम वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सम वॉट्स ऑफ मैकेनिकल आउटपुट. ठीक है, तो कंज्यूम वर्ड जहां भी आए वो एक्टिव पावर से ही उसका लेना देना होता है हमेशा. ठीक, तो कुछ रिएक्टिव पावर ये इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा होगा J50 का, और कुछ रिएक्टिव पावर ये माइनस J50 का कैपेसिटर जनरेट कर रहा होगा, जिसका कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई काम नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
थ्रू चेक कीजिए, सॉल्व करके आएगा ये, डायरेक्ट नहीं आएगा। ध्रुव, सप्लाई इज बैलेंस्ड, सप्लाई इज बैलेंस्ड, लोड यू कैन सी इज नॉट बैलेंस्ड, सप्लाई को बैलेंस बोला, बैलेंस लोड कहां बोला बताइए आप मुझे। वी कैन कनेक्ट अ बैलेंस सप्लाई टू एन अनबैलेंस लोड, इजंट इट, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। जस्ट सी द गिवन डेटा, सप्लाई इज वेरी मच बैलेंस्ड, 100 100 100 डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्रीज, सो सप्लाई इज बैलेंस्ड। तीनों रेजिस्टेंस होते सेम वैल्यू के तो बैलेंस लोड हो जाता, तीनों कैपेसिटेंस होते या तीनों इंडक्टेंस होते सेम वैल्यू के तो बैलेंस लोड होता, ठीक है। यस वैष्णवी, करेक्ट।
करेक्ट। देखिए ये है वी ए एन, दिस इज वी सी एन फेज वोल्टेज एंड दिस इज वी बी एन। आप देख रहे हो ये करंट आई ए हो जाएगा फेज ए का, ये आई बी हो जाएगा और ये आई सी हो जाएगा। ऑल थ्री आर मीटिंग एट दिस पॉइंट मेकिंग दिस करंट आई एन। ठीक है, सो आई एन को जीरो बनाना है। तो नाउ इट्स वेरी इजी, तीनों का फेजर सम है ये। तो आई ए क्या है, वी ए एन डिवाइड बाय आर, सो 100 एंगल जीरो डिवाइड बाय आर प्लस आई बी 100 एंगल माइनस 120 डिवाइड बाय J10 प्लस 100 एंगल प्लस 120 या माइनस 240 एक ही बात है डिवाइड बाय माइनस J10 और ये हो गया जीरो। ओनली आर इज द अननोन, कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ठीक है, सो अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 5.77। या दैट्स योर आंसर। इट वाज आस्क्ड इन गेट 2018 और 19 फॉर 2 मार्क्स। ठीक है चलिए, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड नेटवर्क थियरी। तो आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा हाउ वॉज द सेशन, आई वुड आस्क यू हाउ वॉज द सब्जेक्ट, कैसा था भाई सब्जेक्ट पूरा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी काफी एनहांस हुई होगी नेटवर्क की। बहुत कम समय में काफी सारी चीजें हमने सीखी और क्वेश्चन काफी सारे सॉल्व किए, है ना। चलिए तो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे भी। आप जैसा मैंने कहा रिस्पांस आपकी तरफ से बहुत अच्छा मुझे मिला।